हम हमेशा अपने आसपास की दुनिया में किसी न किसी एनिमल को देखते हैं, फिर वो क्यूट सी किटी हो या वफादार पपी। अगर कहना ही चाहो तो आपका भयानक बॉस या वी8 की बात की जाए तो हस्बैंड या वाइफ। अब इनसे V8 क्या हो भला, या सच में आप ऐसा सोचते हो? फिर से सोच लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलो देखते हैं 5 V8 एनिमल्स दैट यू प्रोबेबली डिडंट हर्ड अबाउट। हाँ, देखने से पहले सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे V8 कंटेंट लाते हैं। यामाजिरो, यामाजिरो की सबसे छोटी स्पेसिस है और हाँ सबसे क्यूट भी, खासतौर पर अपने बॉडी आर्मर की वजह से ये जानी जाती है और ज्यादातर सेंट्रल अर्जेंटीना, सैंडी प्लेन्स या फिर स्क्रबी ग्रासलैंड में ये पाई जाती है। स्पाइनी ऑफ वेब स्पाइडर, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो एक मकड़ी जो खेकड़ी की तरह दिखती है। हे प्रभु, क्या अजब लीला है तेरी। ये मकड़ियाँ बेहद खूबसूरत होती है और बाकी मकड़ियों की तरह ही वुडलैंड गार्डन में पाई जाती है। ब्लॉबफिश, आपने इस फिश की पिक्चर कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। आखिर दुनिया की सबसे अगले एनिमल की लिस्ट की हकदार जो है। ब्लॉबफिश गहरे समंदर की मछली है और इसका जेली जैसा शरीर इसको तैरने में मदद करता है। डम्बो ऑक्टोपस, डम्बो ऑक्टोपस को डम्बो क्यों कहते हैं, क्यूटो क्यों नहीं कहते? खैर नाम में क्या रखा है, डम्बो ऑक्टोपस गहरे समंदर में रहते हैं, तकरीबन 13,000 फीट। ऐसे गहरे समंदर में रहने के लिए डम्बो को बेहद ठंडे पानी से गुजरना पड़ता है, तभी तो ये रेयर है। एडवर्जी डॉल्फिन, एडवर्जी डॉल्फिन ये बेहद कम समूह में साउथ ईस्ट एशिया के पास रहती है। अनफॉर्चुनेटली यह V8 और मस्त मौला दिखने वाले डॉल्फिन खत्म होने की कगार पे है। बस इन वीडियो से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने एनिमल्स की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हम उनको खो रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपको हर रोज ऐसे ही कंटेंट शेयर करते हुए मिलेंगे। So stay connected, specs of wonder.